नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, आजकल ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान में संत, धर्म गुरु, बाबाओं, ज्योतिषों की कुंडलियों में एक साथ एक बहुत बड़ा दोष आ गया है। ऐसा लगता है इन सब बाबाओं के पाप के घड़े एक साथ भरकर बह रहे हूँ और इनको घसीट घसीट कर जेल तक ले जा रहे हूँ। चाहे वो बाबा राम रहीम हो, आसाराम हो, रामपाल हो, दाती महाराज हो, आशु उफ आसिफ महाराज हो, अब ये सब जेल में अपने प्रवचन सुना रहे हैं। औरों का तो पता नहीं, पर अभी तो इनको अपना भविष्य सुधारने की जरूरत है। इन्हीं ढोंगी बाबाओं में एक और नाम शामिल हो गया है जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आध्यात्मिक गुरु बताकर VIP ट्रीटमेंट ले रहा था। VIP ट्रीटमेंट का मतलब होता है जहाँ भी जाता है वहाँ रहने के लिए सरकारी आवास, पुलिस सुरक्षा व अन्य सुविधा उनके लिए मौजूद होती हैं। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धर लिया है खुद को आचार्य पंडित पुलकित महाराज के नाम से प्रमोट करने वाला यह आदमी। असल में एक कथक डांसर है, गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक डांस अकेडमी चलाता है। 33 साल का ये डांसर खुद को अलग अलग मंत्रालयों का बड़ा अधिकारी बताता था और दूसरों के नाम पर सुविधा लेता था। अब हुआ यूं कि अप्रैल महीने में पुलकित उत्तर प्रदेश के सीतापुर गया। वहाँ जाने से पहले वहाँ के प्रशासन को अपनी आगमन की सूचना दी। सीतापुर के DM शीतल वर्मा को एक फैक्स मिला जो पुलकित मिश्रा की बहन पारुल के नाम से था। उसमें लिखा था कि पुलकित मिश्रा संस्कृति मंत्रालय के डायरेक्टर हैं और उनकी सरकारी सर्किट हाउस बुक किया जाए और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। यहाँ के DM को शक हुआ क्योंकि संस्कृति मंत्रालय नाम की कोई मिनिस्ट्री नहीं है, साथ ही कई दूसरी जानकारियाँ भी फर्जी थी। DM ने इंतजाम तो सारे कर दिए मगर शक के आधार पर ये सारे दस्तावेज मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में भी भेज दिए। अब PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को इसकी खबर दी। अगस्त में पुलकित के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई थी। 20 जुलाई को उस पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह आदमी खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आध्यात्मिक गुरु बताकर सरकारी सुविधाएं ले रहा है। अब पुलिस ने इन महाराज को धर दबोच लिया है और 5 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए जेल भेज दिया है। दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर राजीव रंजन ने बताया कि पुलकित मिश्रा के फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ साथ गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के साथ तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में वह प्रणब मुखर्जी से अवार्ड लेते दिख रहे हैं और तस्वीरें दिखाकर वो अलग अलग जगहों पर अधिकारियों को भरोसा दिलाता था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु हैं। फिलहाल ये गुरु सलाखों के पीछे है और अपनी जमानत का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इन गुरुओं पर आग बंद करके भरोसा करने से पहले आप अपने आप पर विश्वास रखो। कुछ बदल सकता है तो वो है परम शक्ति जो आप सबके अंदर है, वरना कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। धन्यवाद दोस्तों, देश विदेश की तमाम खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।